एक टूटी सी गाटी ले ली और तोहारे से बैल लिए नरसी जी चले भात भरण ने बाई मोठे गे कोशिश की फिर गाड़ी खराब हो गई, धुरा निकल रहा है कहीं कहीं, तरह तरह की आफतों में घिरने लगे तो श्री कृष्ण जी महाराज को टेर रहे हैं और नरसी भगत कैसे क्या सोच रहे हैं, क्या बात लिखी बोला समय तक सिरसागढ़ नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी बुराई मेरे सर बंध जाएगी, आकर के मेरी
इलाज बचा। श्री कृष्ण जी महाराज एक राहगीर का भेष धारते हुए और नरसिंह भगत के पास में आए, कहने लगे कि भैया क्या हुआ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, अगर मैं तुम्हारी गाड़ी को बना दूं तो क्या मुझे भी अपने साथ में ले चलोगे। नरसिंह भगत कहने लगे कि भैया हमारे चलने लायक तो हो जाए पहले गाड़ी, लेकिन श्री कृष्ण जी महाराज किस तरह से नरसिंह भगत की गाड़ी को बनाते और क्या बात लिखी भला। कहने लगा कि मैं रथ इस गाड़ी को हाँक करके भी ले चलूंगा आपकी को। श्री कृष्ण जी महाराज थे, लीला फैलाई साथियों। श्री कृष्ण जी महाराज स्वयं गढ़वाले बनकर के उस रथ पर सवार हुए और मन में इतना भाव आ गया नरसिंह भगत के लिए कि आज अपने नरसिंह भगत का ऐसा भात भरवाऊंगा कि ये दुनिया हमेशा के लिए याद रखेगी। जब तक सूरज चांद तारे रहेंगे, पृथ्वी और आकाश रहेंगे, ऐसा भात भरवाऊंगा अपने भगत का कि ये दुनिया वाले लोग याद रखेंगे। किस तरह के विचार श्री कृष्ण जी के मन में आए हैं गाड़ी में बैठते के साथ, क्या बात है कि भला।